السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi, zidni ilma. Dear class, last lesson में हमने page number 27 इकरा वर्कबुक का आपके सामने किया और उसके two parts मैंने आपके सामने किए और two parts आपको करने के लिए दिए. और आज हम उसी तरीक़ाकार के मुताबिक हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 का आगाज़ करेंगे और उसके कुछ सम्स को करने की कोशिश करेंगे जिस तरह हमने इकरा वर्कबुक का पेज 27 किया. ये देखिए एक्सरसाइज 5.2 है आपके सामने. तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट आपके सामने 4 है और स्केयर रूट मालूम करना नीचे दिए गए नंबर्स का. 4 नाइन्स का स्केयर, 36 का स्केयर, 36 का हमने स्केयर रूट मालूम करना है, 25 का स्केयर रूट मालूम करना है और 16 का. आज हम फर्स्ट 5 पार्ट्स करेंगे आपके सामने और इनमें से 2 पार्ट्स मैं आपके सामने करूंगा, बाकी 3 पार्ट्स आप अपनी नोटबुक पे खुद करेंगे. ये आपके सामने एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी जो स्टेटमेंट है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिनमें सबसे पहले मैं आपके सामने पार्ट नंबर 3 करूंगा और एक ही पार्ट करने पे इत्तेफाक करूंगा क्योंकि बाकी पार्ट्स बहुत आसान हैं और वो 4 पार्ट्स आप खुद करेंगे. और 36 कैसे करेंगे तो सबसे पहले देखिए डिवीजन मेथड के जरिए हमने करना है और 36 लिखेंगे सॉल्यूशन और डिवीजन मेथड के ज़रिए हम करते हैं. तो क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर मौजूद है तो इस पे 2 का टेबल पढ़ा जा सकता है. 2 18 द 36, इनके 2 1 द 2, 3 में से जो 1 बच जाएगा वो इसके साथ लगाएंगे तो ये 16 और 2 8 द 16. और अब तो बहुत आसान है, आगे 2 का टेबल हमने दोबारा 18 है तो 2 के टेबल में आता है 2 9 द 18 और 9 3 के टेबल में आता है तो 3 3 द 9. और अगर इसको आगे मजीद हल करें तो 3 1 द 3. तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो हम लिखेंगे कि अंडर रूट 36 या स्केयर रूट 36 इक्वल स्केयर रूट लगाएंगे एक बड़ा और उसके अंदर ये तमाम फैक्टर्स जो हमारे पास हमने जो जिनको टेबल रीड किया मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई साइन के साथ लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इस तरह से. और अब देखिए इनका पेयर बन रहा है तो हम इसको, क्योंकि हमने कटिंग करनी है तो इनका पेयर बन रहा है, तो इन दोनों का पेयर बन रहा है तो ये 2 का इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 2 का स्केयर बन जाएगा और ये स्केयर रूट. मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ जाएगा और इनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे. इसका पेयर भी बन रहा है तो ये 3 का स्केयर हो जाएगा या इसको ब्रैकेट लगा भी लिख सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं. तो इस तरह हमारे पास ये जो स्केयर है ये स्केयर रूट के साथ कट कर जाएगा, ये वाला स्केयर भी इस स्केयर रूट के साथ कट कर जाएगा. तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई साइन और 3. और इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरी गुड, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6, यानी कि जो हमारे पास 36 वैल्यू है ये किसका स्केयर रूट है. वेल डन क्लास, वेल डन, माशाल्लाह, यानी कि 6 का. और इसी तरह का एक सवाल आपकी बुक में था, इकरा वर्कबुक का, जिस जो वैल्यू थी 144, उसके भी आपने इसी तरह फैक्टर बना के और उसके जो पेयर्स आएंगे उनको अलग अलग करके उनके कटिंग करके फिर आपने जो उसके फैक्टर आएंगे उन सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है. तो ये वाला जो सम 144 वाला है इकरा बुक वर्कबुक का, अगर आपने नहीं किया तो वो भी आप इस तरीक़ाकार के मुताबिक उसको मुकम्मल करेंगे. और आज की जो आपकी डायरी है वो आप नोट फरमा लें. आपका जो होमवर्क है जो आपने करना है एक्सरसाइज 5.2, इनके एक्सरसाइज जो 5.2 है इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 और इसके जो पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 1 2 5 आपने करना है और वो भी किस पे करना है, नोटबुक पे. तो नीट नोटबुक के ऊपर आप काम करेंगे और अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे. और आज की जो आपकी डायरी है एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 2 5 ऑन नोटबुक आपने करना है. इसकी अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें, एहसन अंदाज में इसको मुकम्मल करें और लाइनों को छोड़ के खूबसूरत अंदाज में इसको अपना नोटबुक के ऊपर उतारें इस पार्ट को और बाकी जो पार्ट्स हैं उनको भी आप हल करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.